टॉक्स एंड टेरर कैन नेवर गो टुगेदर, गोली और Please गोली come एक out साथ of नहीं this चल rhetoric. सकती It's है। getting very old. Even the world is not buying this. दुनिया भी आपकी ये बातें अब सुन सुन के सर, बोर हो चुकी दुनिया है। आपको आज टेररिस्तान कह रही है मैडम। सुनिए दुनिया क्या कह रही है पाकिस्तान के लिए। मोना जी, रागनी नायक जी जवाब देना चाह रही हैं। क्या कह रही है दुनिया पाकिस्तान के लिए? और आप कान बंद कर अगर बैठ भी जाएंगी ना रुई डालकर, तो भी ये जो गूंज है पूरे दुनिया से अंतरराष्ट्रीय, जो एक तरीके से पाकिस्तान की खिलाफत हो रही है, उससे आप नजर छुपा नहीं पाए। मुझे एक मिसाल और मैं आपको याद हो रही है अंजना जी, मैं याद दिलाना चाहती हूँ। रागिनी जी सुनिए सुनिए, मोना जी मैं बहुत देर से आपकी बात को सुन रही हूँ, अब आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। आप कह रही हैं माजरत के साथ आप कुछ हमें इतिहास बताना चाहेंगी? भारत ने, भारत की सरकार ने पाकिस्तान पर इतना भरोसा किया कि हमने ISI को तक बुलाया यहाँ पर, हमने डोजियर पे डोजियर भर के सबूत दिए, और जब वापस गई ISI तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि भारत ने अपने ही सैनिकों को खुद मार डाला, ये कहती हैं आप। और आज जब इस तरीके का भयानक आतंकी हमला हुआ है, तो शर्मिंदगी दिखाने के बजाय, माफी मांगने के बजाय, ये कहने के बजाय कि पाकिस्तान की आवाज, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के लोग कब बुलाया इंडिया और कब आपने सबूत दिए, जरा मुझे भी बता दें कि हमें सबूत दीजिए। पाकिस्तान धोखेबाज है, पाकिस्तान पीठ में छुरा घोपने वाला मुल्क है, पाकिस्तान पठानकोट के बाद में आपने बात बता दी। अच्छा पठानकोट की बात कर रहे हैं, पठानकोट की बात में वो भी गलत था, आप क्योंकि आप लातों के भूत हैं, आप बातों से नहीं मान सकते, मेरे दिल की बात नहीं है, पता नहीं। पर अंजना जी मैं भारत के दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ कि ये कहा था, लिखा है रामचरितमानस में कि बिनय न मानी जलधि जड़, गए तीन दिन बीत, फिर सकोप बोले राम फिर, भय बिन होए न प्रीत। तो ये पाकिस्तान को भय दिखाने का समय आ गया है। वो भय सिर्फ टैक्टिकल भय नहीं होना चाहिए, मैं कहती हूँ सेना के माध्यम से, वो स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेटिक भय होना चाहिए। और कटोरा कटोरा लेकर तो हम आप भूलेंगे, पार्टी के बड़े सीनियर लीडर ने कहा कि मंत्री है तो पंजाब के, आप उनसे कुछ सीखे, आप जो इल्जाम हमारे ऊपर दे रही हैं, आप यहाँ पर बैठ लगाइए पानी पानी के लिए, आप अपने नवजोत सिंह से सीखे। कांग्रेस पार्टी चाहती है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आपने मोस्ट फेवर्ड नेशन को हटाया है, ट्रेड वॉल्यूम सिर्फ 0.4% का है। मैं कहती हूं कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया जो है साफ्टा, पाकिस्तान को दूर करिए उससे, और जो जितने टैक्स बेनिफिट इन्हें मिलते हैं वो दूर करके दिखाइए। ट्रेड एंड टॉक शुड ऑल्सो नॉट गो टुगेदर। मैं कहना चाहती हूं कि किसी तरीके का आर्थिक लाभ इस देश को ना मिले, पानी ना मिले, भूखे मरे, पता चले। दो बड़ी खबर आ रही है, दो बड़ी खबर आ रही है जो अपने दर्शकों को बता दें, हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान है इस घड़ी में एक है।